हेलो सो, स्वागत करता हूँ मैं आप सबका आपके अपने चैनल टेक्निकल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम यहाँ पर एक ऐसी कमाल की ऐप के बारे में जिसमें ना यार आप ग्रैंड लीग काफ़ी आसानी से जीत सकते हो, काफ़ी आसानी से आप यहाँ पर ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीका बताऊँगा, आप अगर उसको फॉलो करते हो। देखो, एकदम से कोई भी ग्रैंड लीग नहीं विन करता है, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। बट क्या होता है ना कि भाई यहाँ पर चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, बार 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 अगर हम एक ही चीज़ को दोहराएंगे थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर करके, तो भाई कभी ना किसी का लक तो यहाँ पर लग ही जाता है। तो भाई वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा किस तरीके से आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग में इस ऐप को यूज़ करना है, ग्रैंड लीग से आप किस तरीके से इस ऐप के माध्यम से अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। विदाउट स्किप किए फुल वीडियो को वॉच करिएगा। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लेना जिससे कि आप सबको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी और आप उसका बेनिफिट भी सबसे पहले ले पाएंगे। टीम आपको मैं बनाकर दूंगा और आप उसी तरीके से टीम को फॉलो कीजिएगा कि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, ऐप के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर ना आपको भाई इसके अंदर ना यहाँ पर आपको जो मेगा लीग है यानी यहाँ पर आपको 16 लाख रुपए तक का विन कराएगी। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ आज के मैच पे। यहाँ पर जो आज मैच होने वाला वो होने वाला भाई हैदराबाद मुंबई का। आपको इसके अंदर ना यहाँ पर ये कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आपको यहाँ पर मिलता है भाई 0 रुपीज़ में 50,000 रुपीज़ तक की लीग भी, यहाँ पर आप ये भी विन कर सकते हो। क्लिक करते हैं हम इस पर, पहला प्राइज है यहाँ पर 500 रुपीज़। तो गाइज, अगर आपको फ्री में कुछ चीज़ मिल रही है तो मिस आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर भी आप अपनी एक टीम डाल दीजिएगा जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ग्रैंड लीग है वो यहाँ पर देख सकते हो, गारंटेड आपको 10 लाख रुपीज़ यहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट रैंक पर कितने मिलने वाले हैं, 2 लाख रुपीज़ तक की यहाँ पर ग्रैंड लीग विन है पहले नंबर पर। तो यहाँ पर आपको और भी बेनिफिट है, जैसे आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो, टीम बनाते हो, डिस्काउंट में आपको यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स एंट्री पर डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से टीम बना लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो पहली जो रैंक है उस पर है यहाँ पर 2 लाख रुपये तक का प्राइस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टीम हमें बनानी कैसे है। हमें ओवरऑल सबसे पहले तो यहाँ पर आना है क्रिएट टीम पर। अब यहाँ पर जैसा हम आ चुके हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ पिक्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर किसने किस हिसाब से सेलेक्ट किया है। देखो, कभी भी अब आप ग्रैंड लीग पर जा रहे हो तो देखो एक चीज़ आप नोटिस करना, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरीके की सबकी टीम होती है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंट होता है, बट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं होता डिफरेंट। और जब कभी भी आप किसी को देखो कि भाई वो बंदा ग्रैंड लीग विन कर रहा है, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि जिस बंदे ने ग्रैंड लीग विन की है उस बंदे ने किस तरीके से टीम बनाई थी। आप इस चीज़ पर भी हमेशा फोकस करना, बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। ये मैं इसी आज के मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर आप हमेशा के लिए, बाकी मैं आपको डेली के डेली यहाँ पर आपको एक टीम प्रोवाइड कराता रहूँगा, डेली एक मैच की वहाँ पर मैं आपको टीम दूंगा। बट आपको देखो समझना है, ज्यादातर जो तरीके होता है वो एक ही होता है। आपको जब भी ग्रैंड लीग पर आप आते हो तो आपको कुछ ऐसे पिक्स कर लेने, कुछ ऐसे प्लेयरों को लेने जो कि यहां पर ऑलराउंड परफॉर्म दिखाए, जो कि एक मैच विनर हो। अब यहां पर आपको क्या करना है, जैसे यहां पर आप देखो ईशान किशन है, आप यहां पर देखो 85% लोगों ने ले रखा है, तो यानी कि भाई 85% लोगों ने ले रखा है तो इसमें तो जीतने के चांसेस बहुत कम है, बट हमें लेना है। अब यहां पर आप क्या करो, यहां पर बैट्समैन पर आओ। अब यहां पर आप देखो यहां पर किस तरीके से, जैसे यहां पर अगर आप एक टीम बना रहे हो तो भाई आप कभी भी एक टीम से ग्रैंड लीग विन नहीं कर सकते हो, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाओ, जितनी यहाँ पर मैक्सिमम टीम हो रही है आप उनको सबको अलग अलग तरीके से यूज़ करो। और ये जो ऐप है ये आपको फ्री की भी लीग देती है डेली के डेली, और साथ में आपको एक अच्छी ग्रैंड लीग विनिंग अमाउंट भी देती है और इंस्टेंट विड्रॉ भी देती है, सारे तरीके से ये काफ़ी बढ़िया ऐप है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे आप मयंक अग्रवाल ले लो, त्रिपाठी ले लो, रोहित शर्मा ले लो, सूर्य कुमार। अब यहाँ पर हम सेलेक्टेड वाइज यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने काफ़ी उन्हें ले रखा है। अब यहाँ पर जब मैच स्टार्ट होगा तब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब स्टार्ट होगा उस टाइम पर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, आप ये देखिएगा कि भाई टीम क्या है, पिच क्या, किस तरीके से चल रही है। आप अगर लगता है भाई वहाँ पर, क्योंकि पिच रिपोर्ट आप जब तक नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर अगर पिच रिपोर्ट पे बताया जा रहा है कि भाई ये जो पिच है ये पिच यहाँ बॉलरों के लिए मदद दे रही है या बैट्समैन के लिए, आप उसी हिसाब से फिर उसी हिसाब से अपनी टीम बनाना। लेकिन टीम ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, तभी आपको बेनिफिट है। अब जैसे यहाँ पर आ गए हम ऑलराउंडर पर, अब देखो हमने 5 बैट्समैन लिए। अब हम यहाँ पर अगर यहाँ पर हम ऑलराउंडर लेना चाहें, 1, 2, हम 3
नहीं ले सकते। तो आपको ये काम जरूर करना है, आप जैसे 5 बैट्समैन हमने इस वाली टीम में बनाए हैं, आप जो नेक्स्ट टीम बनाओ उसमें आप कुछ डिफरेंट करो, वहाँ पर 4 बैट्समैन रखो या 3 बैट्समैन रखो, उसी हिसाब से रखो, तो उसी हिसाब से आपको चलना है यहाँ पर। उसके बाद बॉलरों पर आते हैं, इसी तरीके से आपको बॉलर यहाँ पर देखने, जैसे उमरान मलिक है, आप देखो कि भाई पिछले मैचेस में किसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर बॉलरों को सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आपकी टीम कंप्लीट हो गई। अब मेन जो टर्निंग पॉइंट आता है वो आता है भाई यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन का। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भाई 24% यहाँ पर इसको कैप्टन बनाया हुआ है एडन मैकरन को, और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो नीचे भी उसी हिसाब से बनाया हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादातर जब आप पिच रिपोर्ट देख लो, आपने देख ली भाई आज की जो यहाँ पर मैच होने वाला है उस पर जो पिच रिपोर्ट है उसमें बॉलरों को मदद दी जा रही है, तो आप क्या करो एक बॉलर को कैप्टन बनाओ। जैसे यहाँ पर मान के चलो मैं उमरान मलिक या जोफ्रा आर्चर या कोई से को भी यहाँ पर बना दूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बना दिया इसे, अब मैं क्या करूँगा, एक लूँगा मैं ऑलराउंडर। अब भाई ऑलराउंडर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑलराउंडर से ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मार्क जॉनसन है, एडन मैकरन है, आप इनमें से आप अपने हिसाब से मतलब जो भी आपने सेलेक्ट किया उसमें से आप यहाँ पर एक वाइस कैप्टन बना लो ऑलराउंडर को। ऑलराउंडर का यही फायदा होता है कि भाई अगर 2-3 ओवर भी वो करा गया तो भाई आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से करके हमारी यहाँ पर टीम कंप्लीट होती है। पिच रिपोर्ट को जब तक आप नहीं देखोगे भाई पिच रिपोर्ट क्या है, तब तक आपको सही से समझ में नहीं आएगा। और पिच रिपोर्ट पर जैसा बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर अब पिच जो है ना वो बॉलरों के लिए मददगार है या बैट्समैन के लिए मददगार है, आप उसी हिसाब से आगे अपनी जो है ना टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन या आप अगर लग रहा है कि भाई बॉलरों के लिए मददगार है तो आप उसी हिसाब से बॉलरों को ज़्यादा रखो, बैट्समैन को एक आध आप छोड़ सकते हो दूसरी टीम में उन्हें ले सकते हो। तो गाइस इस तरीके से करके आप टीम बनाओ, काफ़ी प्रॉफिटेबल ऐप है और काफ़ी अच्छी अर्निंग आपको देगी। लिंक आपको इस ऐप का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, काफ़ी कमाल की ऐप है और ट्रस्टेबल ऐप है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं।